दोस्तों आज मैं मछली फ्राई का एक ऐसा रेसिपी लेकर के आया हूँ जिसको हम कुछ खास मसालों और अलग ही तरीके से फ्राई करने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी होगा, जिसको आप चटनी या सलाद के साथ इंजॉय करें या खाने के साथ मज़े लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये हमने 1 किलो रोहू मछली ली है, अच्छी तरह से हमने इसको धुल लिया है। अब इसका मैरिनेशन शुरू करते हैं। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच हमने नमक लिया है टेस्ट के अनुसार, और ये चावल का आटा आधा प्याला हमने ले लिया है। 100 ग्राम के करीब ये चावल का आटा है, और ये हमने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और ये हमने मीट मसाला विथ सरसों 1 चम्मच ले लिया इसके अंदर पेस्ट, और ये हमने इसके अंदर धनिया और सोए का पत्ता हमने डाल दिया है अच्छी तरह से बारीक एकदम कट करके, इससे इसका मेरिनेशन और बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है। अब इसको हम मेरीनेट करके फ्रीज में ओवरनाइट के लिए रख देंगे, कम से कम 12 घंटा इसको रखना है। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच हमने ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है निकालने के बाद फ्रिज से। अब अच्छी तरह से इसको मेरीनेट करेंगे, देखिए एकदम सूखा सूखा दिख रहा है। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये मेरीनेट हुआ है मसालों के साथ, और ये हमारा हमने पैन को गर्म कर दिया है, और इसके अंदर हमने सरसों का तेल लिया है डूब जाने भर का, इसके अंदर मछली हमने तेल ले लिया और अच्छी तरह से इसको हीट कर दिया हमने, और एक एक पीस हमने इसके अंदर मछली फ्राई डालते जाना है। और तेल जब अच्छी तरह से हीट हो जाए, मछली आप डाल दें, इसको फ्लेम को मीडियम कर दें, और 5 मिनट के बाद इसको हम साइड को इसके चेंज करेंगे हम, और इसके साइड्स को हम चेंज करना शुरू कर दिए हैं। अच्छी तरह से हमारी मछली फ्राई एक साइड से हो चुकी है, और अब दूसरे साइड से इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको 5 मिनट के लिए वेट करेंगे हम, और जब दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा अब इसको हम निकाल लेंगे। मछली फ्राई हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो बाकी मछलियाँ बची हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, और फिर से पैन को अच्छी तरह से हम हीट करेंगे हाई फ्लेम पर, और फिर से मछली डालने के बाद इसका फ्लेम मीडियम कर देना है, और सारा मछली हमने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से ये फ्राई एक साइड से हो चुका है, और अब दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करते हैं, और फिर 5 मिनट इसका हम वेट करेंगे, और अच्छी तरह से फ्राई जब हो जाए तब इसको निकाल लेना है। बहुत ही ओवरनाइट रख देने से बहुत ही कुरकुरी बनती है और बहुत ही टेस्टी, इसके अंदर मसाले सब अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट रेसिपी में कुछ और इससे यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेकर के।